हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयस फ्रॉम फूलस्टन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, जहां पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, डिफेंस एंड अपॉइंटमेंट्स। फर्स्ट इंडिजिनियस बायोजेट फ्यूल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लैंडेड सक्सेसफुली इन ले। इंडियन एयरफोर्स का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट जो बायोजेट फ्यूल्ड है, राइट। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये AN-32 सीरीज का एयरक्राफ्ट है विथ 10% ब्लेंड ऑफ बायोजेट फ्यूल, 10% ब्लेंड ऑफ बायोजेट फ्यूल। और ये जो फ्यूल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये टेक्नोलॉजी को बहुत अलग ही लेवल तक ले जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, अब इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के जो दोनों इंजिन है वो दोनों ही इंजिन्स आर पावर्ड विद बायोजेट फ्यूल। अब बायोजेट फ्यूल बनाया किससे जाता है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ट्री बॉर्न ऑयल्स, जो मेजर ऑयल सीड्स होते हैं, जो मेजर ट्रीज होते हैं, जैसे साल हो गया, महुआ हो गया, जट्रोफा हो गया, नीम हो गया। इन इन ट्रीज से इस तरह के बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, दीज आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। गोवा 2020 नेशनल गेम्स अनवील्स रूबीगुला एज ऑफिशियल मास्कॉट। रूबीगुला, इसके बारे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी का बर्ड है। तो गोवा के नेशनल गेम्स में जो ऑफिशियल मास्कट है, दैट इज रूबीगुला। सो दिस फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इज द स्टेट बर्ड ऑफ गोवा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी होस्टेड बाई गोवा। The state of Madhya Pradesh grabs first position for implementation of PMMVY, Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana। ये एक स्कीम है, 2017 में इंप्लीमेंट किया गया था। इट्स अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक स्कीम इंप्लीमेंट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2017 में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका मेजर मोटिव ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन को डायरेक्टली हेल्प किया जाए डायरेक्टली। दैट्स वाई इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू किया गया, जहां पर जो पैसे होते हैं, जो उनका हेल्प होता है, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। ये पैसे क्यों दिए जाते हैं, ताकि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके प्रेगनेंसी के समय वो काम पे नहीं जाते हैं, तो उनके वेज लॉस को कंपनसेट किया जाए। साथ ही साथ उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के समय पे, बहुत सारे न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं किसी भी लेडीज के, तो उन चीज़ों को भी मीट करने के लिए ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया था ऑन 1st of January 2017। Now, what are the benefits under the scheme? जो भी beneficiaries होते हैं, उन्हें 5,000 रुपये मिलते हैं in 3 installments। 5,000 rupees is given to them through direct benefit transfer, direct transfer किया जाता है, direct cash transfer किया जाता है। और ये जो 5,000 रुपये का amount है, ये 3 installments में pay किया जाता है। इसमें एक और amount add होता है। These eligible beneficiaries also receive cash incentive under Janani Suraksha Yojana, जहां पे ये total amount लगभग 6,000 रुपये का हो जाता है। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है, इसके लिए दो ही कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं, दो ही कैटेगरी की लेडीज एलिजिबल हैं, दोज हु आर प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स। मालदीव्स रिजॉइंस कॉमनवेल्थ एज 54th मेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ नेशंस किसे कहते हैं? गाइस, हिस्ट्री में जितने भी कंट्रीज ब्रिटिश डोमिनेंस में रहे, उन सभी कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह के कंट्रीज को लेकर के बनाया गया था। तो करेंटली द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैज बिकम 54, और मालदीव्स लेटेस्ट कंट्री जिन्होंने इस कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। हालांकि 2016 तक मालदीव इसका हिस्सा था, उन्होंने 2016 में एग्जिट किया था, बट करेंटली उन्होंने उस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को रिज्वाइन किया है। अब एक छोटा सा मालदीव्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये है कहां पे और इसका कैपिटल क्या, देखते हैं। मालदीव्स ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, जैसे कि वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे हैं, इंडियन ओशन की अरेबियन सी में मालदीव्स कंट्री लोकेटेड है। इट्स एन आइलैंड नेशन, जो कि एक छोटा सा नेशन है, मोस्टली अपने टूरिज्म के लिए नेशन जाना जाता है, और इसका कैपिटल है माले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एम अजित कुमार एज चेयरमैन ऑफ CBIC। एम अजित कुमार,
A 1984 batch IRS officer has been latestly appointed as the chairman of CBIC, which stands for Central Board of Indirect Taxes and Customs. Vinod Shukla wins first Matrabhumi Book of the Year award. Vinod Shukla, a noted Hindi novelist जो कि एक साहित्य अकेडमी ऑनरे भी है. रिसेंटली उन्होंने एक बुक रिलीज किया था और बुक का नाम था ब्लू इज लाइक ब्लू, और उसकी बेसिक स्टोरी थी आम आदमी को लेकर और उनके जो रोज के स्ट्रगल्स होते हैं उससे रिलेटेड वो बुक में लिखा गया है. एंड ये मातृभूमि का जो अवार्ड्स होते हैं उसका एक मेडन अवार्ड था, एक फर्स्ट इनॉग्रल अवार्ड था जो इस बार विनोद शुक्ला जी को दिया गया. वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद किशोर कुमार सम्मान. किशोर कुमार सम्मान कैसा अवार्ड जो एमपी गवर्नमेंट देती है, एमपी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो ये अवार्ड देती है इस फेमस आर्टिस्ट के याद में जो भी उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. एंड रिसेंटली वहीदा रहमान एन 82 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट को रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया. तो इस अवार्ड में 2 लाख रुपीज का कैश प्राइज और एक साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है. एंड द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वॉज मिस्टर ऋषिकेश मुखर्जी. शक्तिकांत दास नेम्ड बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक. फाइनेंशियल टाइम्स की एक मैगजीन है द बैंकर, और उस मैगजीन ने रिसेंटली द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्हें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक का उन्हें रिकॉग्निशन दिया है. और ये जो रिकॉग्निशन है मेजरली उन्हें दिया गया है फॉर इस मेजर स्टेप्स एंड रेगुलेशंस इन द फील्ड ऑफ शैडो बैंकिंग. India's biggest rural technical festival Antar Pragya 2020 kicks off. भारत का सबसे बड़ा रूरल टेक्निकल रूरल टेक फेस्टिवल जो इस साल तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया. ये फेस्टिवल इसलिए जाना जाता है बिकॉज यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होते हैं जैसे कि स्मोक एब्जॉर्बर्स हो गए, होम लाइटिंग सिस्टम हो गए, होम इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम हो गए, एब्जॉर्बर्स हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है जो रेगुलर यूज में रूरल एरियाज में काम आते हैं उसको यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जाता. एंड इस बार के टेक फेस्ट का थीम था स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेट्स टारगेटेड डेफ्सपो ऑफ $5 बिलियन यूएसडी इन अपकमिंग 5 ईयर्स. डिफेंस एक्सपो 2020 जो रिसेंटली लखनऊ में कंडक्ट किया गया. एंड ये इसलिए इतना बड़ा इवेंट है बिकॉज पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि मिलिट्री में इतना बड़ा मॉडर्नाइजेशन को प्लान किया जा रहा है. लाइक मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सारे जो MNCs है जो डिफेंस फील्ड में है उनको ये भी अलाउ किया जाएगा कि वो आके इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, एक डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए. सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक इन द अपकमिंग 5 ईयर्स डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट इज $5 बिलियन. सेकेंड पॉइंट, दिस इज 11th एडिशन ऑफ डिफेंस इवेंट जो कि लखनऊ में कंडक्ट किया गया. एंड थीम ऑफ दिस इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस इवेंट इज इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. मैसेडोनिया साइंस अकॉर्ड टू ज्वाइन नेटो. पहले तो समझते कि नेटो है क्या, देन मैसेडोनिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं. नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 30 मेंबर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, इसके नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज मिला के 30 मेंबर स्टेट्स है जहां पे एक आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस बना करके रखते हैं ताकि किसी भी बाहर की पार्टी अगर अटैक करती है तो उन्हें वो वापस केटर करे उस तरीके से. उसके लिए एक ये ट्रीटी फॉर्म किया गया था. एंड नेटो हेडक्वार्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रुसेल्स बेल्जियम एंड इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टनबर्ग. अब इसमें न्यूज था, मैसेडोनिया साइंड एन अकॉर्ड टू ज्वाइन नेटो टू बिकम द 30th मेंबर ऑफ द US लेड अलायंस. मैसेडोनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है उसका हम अभी डिटेल देखेंगे. मैसेडोनिया 30th मेंबर बनता है नेटो का जो इस अलायंस को ज्वाइन कर रहा है. सेकंड पॉइंट, नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग स्टेटेड एडमिटेंस ऑफ अ न्यू मेंबर हाइलाइटेड दैट ऑल यूरोपियन नेशंस हु मीट द एंट्रेंस क्राइटेरिया कुड ज्वाइन द रीजनल अलायंस. जो कुछ भी यूरोपियन एंट्रेंस इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके क्राइटेरिया को ईजी किया जाएगा. सो वर्ल्ड मैप में मैसेडोनिया को मैंने लोकेट किया है.
Macedonia, a small country in southeastern part of Europe, officially known as the Republic of North Macedonia, and जिसका कैपिटल है स्कोपिया. स्पेलिंग इसकी ऐसे लिखी जाती है. सो इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, राइट? तो ये 30th मेंबर स्टेट है जो नेटो ज्वाइन कर रहा है. Sixth bi-monthly monetary policy statement released. Repo rate reduced to 6.25%. Sorry. So I think most of you know about repo rate and reverse repo rate. Simple सा concept है. एक चीज हमने हमेशा देखा है कि repo is always greater than reverse repo. Repo rate मतलब वो rate of interest जिसमें RBI banks को loan देता है, right? बैंक्स पैसे कब लेती है? आरबीआई बैंक्स को बोलता है जब भी मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है. आरबीआई बोलता है कि आप हमसे पैसे लेकर के जाइए. तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, एंड जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक्स आरबीआई को लोन देती है इसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा बैंक से, एंड उसका ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट. सो द पॉइंट नंबर वन मेंशनड इज the policy repo rate has been reduced under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. ab aap dekhiye RBI banks ko loan de raha hai aur jo rate of interest hota hai use hum repo rate kehte hain. matlab jab market mein liquidity ki kami hoti hai tab RBI kya karta hai, wo aur rate of interest ko reduce karta hai taki zyada se zyada market mein liquidity flow ho. और इस टूल को, इस मॉनिटरी टूल को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, जहां पे रिपर्चेस एग्रीमेंट्स के थ्रू बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करती है. और इसे रिसेंटली आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस किया है, जो कि पहले 6.5% था रेपो रेट, उसको घटा करके 6.25% कर दिया गया. सेकेंड पॉइंट मेंशन इज कॉन्सिक्वेंटली द रिवर्स रेपो रेट अंडर द LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी स्टैंड्स एडजस्टेड टू 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. reverse repo, जैसे कि आपको पता अभी हमने डिस्कस किया था, आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक से पैसे लेता है, बैंक से लोन लेता है, उसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं. एंड एक मेंशन, एक पॉइंट मेंशन है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.5% पे है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक तरह का रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है, बट ये ओवरनाइट फंड्स के लिए होता है. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बैंक्स के पास रेपो रेट का जो फैसिलिटी है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई से लोन ले सकते हैं, देन एमएसएफ का कॉन्सेप्ट क्या है? तो एमएसएफ क्या है, एक सेपरेट विंडो है जो 2011 में क्रिएट किया गया था, जब बैंक्स को ओवरनाइट फंड्स की जरूरत होती है, स्पेशली जब कमर्शियल बैंक्स, जब वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के कारण, तो ऐसे में बैंक्स को अचानक फंड्स की जरूरत पड़ती है जो एमएसएफ के थ्रू बैंक्स परचेस कर सकती है. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम फरवरी फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स. आई वांट टू अनाउंस भिलाई चलो कैंपेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एंड आई इनवाइट यू ऑल. हम लोग 28th of March से न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स फॉर क्लैट HM एंड BBA BCom एंट्रेंसेस. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन विजिट आवर वेबसाइट, हम उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशनड है. एंड प्लीज आई सजेस्ट यू ऑल, जो भी क्लैट एस्पिरेंट्स हो, हर हफ्ते हम ऑल इंडिया मॉक फॉर क्लैट एंड होटल मैनेजमेंट कंडक्ट करें. सो प्लीज टेक दोज टेस्ट, एंड उससे रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज होते हैं यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.